हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस पाउडर पफ के प्लांट और फूल से। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आए हैं, साथ इसकी ग्रोथ भी हो रही है और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है इन दिनों में इनकी। ये देख सकते हैं आप, ये न्यू इसकी ग्रोथ है और इस पर छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं जो कि बड़ी होकर खिलती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा, इस तरीके से आप देख सकते हो। साथ में ही इनमें खूब सारी कलियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कली आ रही है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट है। बल्कि समर में इनकी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं, इस टाइम में तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है, यानी इसे विंटर पसंद है। और ये मेरा पिंक हिबिस्कस, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से इसमें ग्रोथ है और कुछ ब्रांच पे इनमें कलियाँ भी आ रही हैं, ये देख सकते हो। ये जो मेरा पॉट है, इसके नीचे मैंने बहुत सारे लोहे के डिब्बे जो कि जिनमें कि जंग लग गए थे, उन्हें हथौड़ी से पिचका के डाल दिया था। और किचन वेस्ट, जो कि विंटर में बहुत ही ज़्यादा मटर वगैरह के छिलके निकलते हैं, गोभी के डंठल वगैरह निकलते हुए, सुखवा के सब डाल दिया था। थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल किया है और बाकी सारे इनमें आयरन का इस्तेमाल मैंने खूब किया है, लोहे का इस्तेमाल। प्लांट देख सकते हो आप कितने अच्छे से है, पर इस वाले प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई। अगर फ्लावरिंग होती तो शायद पता भी चल जाता ये कौन सा फूल है, पर इसका मुझे नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता। और देखने में एकदम से एक्सोरा की तरह लगता है। बाकी जो इसमें से रंगूर की पर गई हुई है वाइन, इसकी बेल गई है, तो वो तो अब इसका पत्तियां वगैरह गिर जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें जो मैंने धनिया ग्रो कर रखा था, कुछ इस तरीके से हो गई हैं। और ये देखिए, बहुत सारी मैंने गुलदाउदी की छोटी छोटी कटिंग लगा रखी थी, उन्हीं कटिंग में से ये देखिए एक, ये देखिए बहुत, एक मिनट, ये देखिए कितनी अच्छे से छोटा सा पौधा है पर फूल खिला हुआ है। इधर मैंने कैलेंचो रखा है, तो कैलेंचो में कलियां आ चुकी हैं और मुझे इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि यहाँ जल्दी धूप नहीं आती है, तो इस जगह से हम हटा देंगे इसको। और ये छोटे छोटे पॉट हैं, इन्हें चिड़ियाँ अक्सर बिखेर जाती है, मतलब ढकेल देती हैं, ये गिर जाते हैं। ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है और ये देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये वाला। इस टाइम में मुझे गार्डन के कुछ काम करने हैं, जैसे मुझे मेरे गमलों की रंगाई करनी है, मुझे तेज़ धूप होने से पहले ही कर लेना है। मतलब अभी तो जो धूप हो रही है वो बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन इससे जब तेज़ी से धूप होती है तो हम लोग बहुत ही कम टेरेस पे आते हैं, तो उससे पहले मुझे ये सारे काम कर लेने हैं। बाकी जो ये पॉट बाकी रह गया है रिपोर्ट करने के लिए, उनको भी रिपोर्ट कर देना है मुझे। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा गुलाब का पौधा है, इस तरीके से इसी की ब्रांच लेकर मैंने एज अ कटिंग लगाई है। और इस प्लांट को मैंने देखिए इतनी बड़ी प्लास्टिक की बोरी में लगाकर, इसमें खूब सारे मैंने जो लकड़ी का हम लोग टेरेस पे रखते हैं विंटर में आग जलाने के लिए, तो लकड़ी के नीचे से पानी वगैरह जब बारिश होती है तो इसके नीचे से जो लकड़ी सड़ जाती है, उसका बारीक बुरादा निकलता है, सड़ा हुआ हिस्सा, उसको सारे को डाल के, और गुलदाउदी जो निकली हुई थी, गुलदाउदी जो सूख कर निकली हुई थी उसको मैंने सुखवा कर इसमें डालकर ये प्लांट लगा दिया है। और इसको रोज़ चिड़ियाँ इसके ऊपर की मिट्टी हटा देती थी, तो मैंने इस पर बहुत सारे स्टोन रख दिए ताकि इसको हटा ना सके। रोज़ वो बिखेरती थी इसकी मिट्टी को, तो मुझे रोज़ सफाई करना पड़ता था। ऊपर जो कली है उस पर दो कली एक साथ है, उसके बाद एक यहाँ पे है, ये देख सकते हो। साथ ही ये जो ब्रांच है, ये सारी की सारी मैंने प्रून कर दिया है और इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी में लगा हुआ है, तो देखिए फिर जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको दिखाऊँगी। और सामने है गेहूँ के खेत, ये देखिए गेहूँ के खेत है। और ये मेरे घर के सामने का नीम का पेड़, और ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम में, ये देखिए। और ये जो मैंने गन्ना लगा रखा था, इसमें से कल मैंने एक गन्ना निकाला, ये यहाँ से एक और था तो वहाँ पे निकाल लिया। और ये देखिए अम्ब्रेलेश का मैंने बल्ब निकाल के रखा है, ताकि इसे मैं जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में लगा सकूँ। हालांकि विंटर बहुत ही ज़्यादा है और कई कई जगहों पे बारिश अभी भी सुनाई दे रही है, कि मतलब कि अभी 24-25 तारीख को जो इलाहाबाद में स्नान लगता है, सब लोग जाते हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम विंटर थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैं देख रही हूँ, जैसा ही मुझे मौका मिलेगा
वैसे मैं इसके बल्ब को ग्रो कर दूंगी। बाकी इस वाले पॉट में भी मैंने कल देखा कि मैंने एक कैलेंचो लगा रखा है जिसमें की कलियां आ रही हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ग्रो हो जाती है अगर इसकी छोटी सी कटिंग हो तब भी, ये देखिए यहाँ पे। और ये सारे के सारे मेरे पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनके जो पत्ते हैं, किसी ने मुझे सलाह दिया था कि इसको आप हटा दीजिए, तो मैं इसको हटा रही हूँ। ज़्यादा में नहीं है, कुछ में ही है, तो कुछ को तो हटाना पॉसिबल है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से हटा दिया और ये आप देख सकते हो बाकी सब सही है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए रोज की कली, इसका कलर कितना ज्यादा डार्क है। बहुत ही हेल्दी सा पौधा है। मैं तो कहती हूँ हर साल नए नए गुलाब लगाने चाहिए। तो मैंने, चलिए फिर आपको अपनी कटिंग भी दिखाती हूँ, देखते हैं कुछ निकल रहा है उसमें ब्रांच वगैरह नहीं कि वैसे के वैसे है। तो ये देखिए मेरे गुलाब की बहुत सारी कली, सॉरी कटिंग जो कि मैंने लगा रखी है, इसमें देखिए बहुत सारे फुटाव हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे मुझे दिख रही है कली भी है यहाँ पे ऊपर। अभी इसे टच नहीं करूंगी वरना कली मेरी कटिंग फेल हो जाएगी। तो गाइस होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव योर नाइस डे।